अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्लॉग ना रूम, पहले व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था, कोई मज़े का कंटेंट मिलता ही नहीं था। तो आज मैंने कहा कि चार एक दिन हो गया, गाड़ी को स्टार्ट वगैरह भी नहीं किया था, तो पता ही नहीं गाड़ी है किस हाल में, क्योंकि जिस जगह गाड़ी हमारी खड़ी होती थी बाहर गली में, तो वहाँ पर उसका के पास कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो गाड़ी में कज़न की तरफ खड़ी कर आया था। तो चार एक पाँच दिन हो गए गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं किया, देखेंगे तो आज जाके आपको वो भी चेक करेंगे। उससे पहले कहते हैं ये मुर्गे वगैरह खुले हुए हैं और कबूतर भी खुले हैं, भी बंद करना है वहाँ को, ये मुर्गा है ऐसे भी बंद करना है और वो सामने कबूतर है उन्हें भी अंदर करना है। उसके बाद मैं कहते हैं हो सकता है मगरिब से पहले चला जाओ कज़न की तरफ या मगरिब के बाद, तो जाके वहाँ से गाड़ी भी स्टार्ट करनी है, देखना है आपको आज चाल उसका चेक कराएँगे। और एक और बात कि और दूसरी बात यह है कि भाई जान मेरा रिजल्ट आने लगा है फर्स्ट ईयर का, तो हालात टाइट लग रहे हैं, लेकिन आज फ्राइडे है तो मंडे को रिज़ल्ट है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब दुआएं कर लें मेरे लिए और बाकी जितने भी बच्चों ने फर्स्ट ईयर के दिए हैं रिजल्ट फेडरल बोर्ड के, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बस आ जाएंगे। अल्लाह इस टाइम कुछ भी नहीं सोच सकते, बस अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। और आपसे बस यही गुजारिश है आप दुआ करें, कमेंट में कर लें या आप कमेंट ना भी करें, दिल में बस आप दुआ कर लें। तो भाई इनको पहले बंद करते हैं, इसे पहले अंदर करते हैं। अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो खुद ही अंदर चला जाएगा। दरवाज़ा खोल दिया ना, अंदर चला जाएगा खुद ही। ये एक टर्की है, बस शोर ही करता रहता है ये। बाकी आपने पहले भी देखे, मैं एक जगह पैसे दिखा देता हूँ, ठीक है। इन दो खानों में भी है, लेकिन वो पीछे डोली में घुसे में। तो आप थोड़ा सा दाना लेना है, और ये थोड़ा सा दाना बाहर गिराना ताकि वो लोग कबूतर दाने को देख के ना नीचे उतरे। वो मैं बता रहा था कि वहाँ पे ना आगे ना कंस्ट्रक्शन हुई है, तो इस वजह से नहीं गाड़ी खड़ी कर सकते। बाकी सब सीन्स ओके हैं, बस आपने टेंशन ही लेनी, वीडियो वगैरह मैं बना लिया करूँगा, कोशिश करूँगा आगे थोड़ी और भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट को वीडियो क्वालिटी पे भी, और ख़ास तौर पर एडिटिंग पर मीम्स वाला भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि लगाओ। तो बस अभी इनका कबूतरों का इंतज़ार करते हैं कि गुजरें, इन्हें बंद करते हैं और फिर जाते हैं। तो भाई रात को फैसल मस्जिद की तरफ आए हैं, व्यू चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, लाइटनिंग अगर आप सही हुई है। ये आपको मैं बस थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, उसके बाद हम घर जाएंगे, और फिर हो सकता है आज या फिर कल कज़न की तरफ जाएं, और गाड़ी को मैं सूरत हाल देखूँगा किस हाल में है। अब पक्की बार आप जाके मैं गाड़ी दिखाता हूँ। तो आज भाई नेक्स्ट डे है, शाम तक हम आए हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। फ्लैश लाइट नहीं ऑन कर सकता, मोबाइल की बैटरी लो है, तो इस वजह से से आपको गाड़ी के इलाज चेक कर दूँगा, शीशा तो ऐसे कुछ कर दूँगा। चेक करें
बस इसके तीन चार काम हैं जो करवाने हैं कमिंग डेज में। पहला काम तो ये है कि जो उसका ये मोबाइल में बारिश होती है ये फारिक हो गया, और दूसरा ये कि यहाँ से भी डबल टेप लगा के इसे वापस अंदर करना है। बस यहाँ से डबल टेप खराब हुई है, गाड़ी वॉश होगी। उसके बाद जो ये जगह यहाँ पर हमने स्टिकर लगाया था तो इसे भी दोबारा स्टिकर यहाँ पर लगा के बंद करना है, फिर और काम करना है। और इस जगह से बम्पर को भी सही करना है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, बम्पर दोबारा रिपेयर हो जाता है, बाकी ठीक है, एक बार वॉश होगा। अंदर से इंटीरियर की बात करो तो डैशबोर्ड की, हो सकता है लाइट्स क्या कहते हैं जो ग्रीन है इसे चेंज करा के ब्लू कर दूँ, क्योंकि जो बाहर ये पार्किंग बल्ब्स हैं वो भी ब्लू हैं, ब्लू सही रहती है, ब्लू कलर मुझे पसंद भी है। उसके बाद बाकी ये लाइट ऑन किया, बाकी अब कैमरे में नज़र ही नहीं आ रहा, अंधेरा फिर भी इतना। गाड़ी ये पैडल भी सही कर रही है, मिसिंग भी नहीं कर रही, पहले मिसिंग कर रही थी शुरू में जब लास्ट टाइम मैं स्टार्ट करने आया था, पानी वगैरह शायद चला गया होगा। उसमें बाहर से आपको दिखाता हूँ, इसका बैक से व्यू है, रात ही होती है। अब आप उसके सेंसर की रेफ सिखाएंगे। जैसा कि आपने गाड़ी की रेव सुनी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।